आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी को क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर हितेंद्र कुमार गर्ग, वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी इन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार। हेपेटाइटिस बी अगर हम अपनी इंडियन पॉपुलेशन में देखें तो 40 मिलियन अराउंड 4 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं और हम पर ईयर अराउंड 1,15,000-1,20,000 लोगों की डेथ हो जाती है हेपेटाइटिस बी से। और इसको क्यों साइलेंट किलर कहते हैं, रीज़न क्योंकि हमको पता नहीं चलता जब पेशेंट हमारे पास आता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट वो जब लिवर फेलियर में होता है, जिनको जॉन्डिस हो चुका होता है, पेट में पानी आ चुका होता है, बेहोशी हो चुकी होती है, वो उस स्टेज पे आता है। और उस स्टेज पे हमारे पास सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट कराने का के अलावा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। अगर हम इस हेपेटाइटिस बी को बहुत पहले पहचान लें तो हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं लिवर डिसीज़ को के प्रिवेंशन में, कि वो आगे प्रोग्रेस ना करे, उसके उसमें दवा दे के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और पेशेंट की मोर्टेलिटी हम बचा सकते हैं। तो ये जैसे हमने बताया कि 40 मिलियन 4 करोड़ लोग अराउंड अफेक्टेड हैं, लेकिन सारे के मेजॉरिटी पेशेंट दे कम इन ए लेटर पार्ट ऑफ स्टेजेस। तो जब उस समय हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं रहता। अब अगर हम इसको पहचानें हम इनको, तो पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक ब्लड का टेस्ट होता है जो कि हेपेटाइटिस बी HBsAg एंटीजन या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहते हैं, उसको हम टेस्ट कराते हैं जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर हम और DNA टेस्ट और टेस्ट कराते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम उसके अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एक वैक्सीन होती है, अगर हम वो वैक्सीन ले लें तो हमको लाइफ में कभी होने का चांस बहुत कम हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर किसी को सपोज करिए कि आपने टेस्ट कराया, उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन आजकल क्या है कि इंडिया में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देते हैं। लेकिन कई जगह रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में जहाँ पे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगा और वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, उन्होंने अपना LFT कराया, उसमें देखा कि उसमें थोड़ा सा हमारा डिरेंजमेंट है, तो हमने हेपेटाइटिस HBsAg या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कराया और वो पाया कि पॉजिटिव है। अगर किसी का भी HBsAg पॉजिटिव है या LFT डिरेंज्ड है या अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा भी लिवर में इशू आता है, तो अपने HBsAg, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी दोनों कराएं। अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है तो हम किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें और प्रॉपर दवाई लें। थैंक यू।